हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AI वॉक में। आप देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं स्पीकर को रिकॉन। आप देख सकते हैं ये जो है ये सब बूफर है, मेरे पास 6 इंच वाला सब बूफर है और ये सब बूफर जो है हमारा पूरा ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा फटा हुआ है और मैं इसको रिकॉन करने वाला हूँ। इसको रिकॉन करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी क्लीनिंग करनी होगी। हमें ये सारा क्लीन करते हैं हम एक बार, इसको निकाल के सारा एक बार मैं क्लीन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा हमें क्लीन करना होगा इस कटर की मदद से, तो एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया है पूरा। अब देख लीजिए यहाँ से सारा मैंने गम इसका जो था यहाँ का सारा गम मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम अपना स्पाइडर और कॉइल लगाएंगे। तो स्पाइडर और कॉइल देख सकते हैं, ये है इसका स्पाइडर, ये है इसका कोन, ये है इसका डस्ट कैप एंड ये कॉइल वही है जो इसके अंदर से निकली है और ये कॉइल है जो मैं मार्केट से लेके आया था। तो बट मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉइल जो है इस वाली कॉइल से जो मार्केट से लाया हूँ उससे बेटर ये कॉइल है, क्योंकि ये काफ़ी इससे बड़ी भी है, चौड़ी भी है और डबल लेयर में है। हालांकि डबल लेयर में ये भी है बट ये थोड़ी छोटी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यही वाली कॉइल लगाऊँ। तो मैं इसी कॉइल को जो इससे निकाली थी मैंने, इसको क्लीन कर दिया था बढ़िया तरीके से, तो मैं इसी कॉइल को इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं प्रोसेस आगे का बताता हूँ आपको। ये कॉइल इसके अंदर जाएगी, आप देख सकते हैं इस मैग्नेट के अंदर। तो हमारी कॉइल 1/3, आप देख सकते हैं कम से कम इतनी कॉइल बाहर रहनी चाहिए हमारी जो मैग्नेट से, इतनी कॉइल लगभग बाहर रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा दिया है, तो यही निशान मैं अंदर से लगा लूँगा ताकि मुझे मैग्नेट लगाने में, मतलब मैग्नेट अंदर ये डालने के अंदर जब डालूँगा तो आसानी हो जाए। तो ये मैं इतनी निशान लगा लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से आप देख सकते हैं मैं निशान लगा रहा हूँ इसमें अंदर की साइड से, जब मैं कॉइल डालूँ तो मुझे इजीली नज़र आ सके। आप देख सकते हैं मैंने अंदर की साइड में निशान लगा लिया है, इतना ही निशान इसके अंदर जाएगा, ये निशान के बाहर रहेगी। जो मैंने मार्क लगाया है इस मार्क के इतने ऊपर ही रहेगी कॉइल, इस तरह से आप देख पाएंगे इस तरह से कॉइल जो है इतनी बाहर रहेगी, 1/3 कॉइल जो है मैग्नेट से बाहर रहेगी, तो हमारा अच्छा काम करेगा। इतनी कॉइल बाहर रखूँगा मैं जो मैंने अंदर से भी मार्क कर लिया है। तो चलिए ये लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉइल को मैं इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं फ़िक्स कर रहा हूँ इस कॉइल को इस तरह से। एक बार मैं डाल के देख लेता हूँ कॉइल हमारी फ़िक्स आ रही है नहीं आ रही, तो ये हमारी कॉइल फ़िक्स आ रही है। अब इसी तरह से मैं इसके अंदर डाल लूँगा यहाँ पे, और जो निशान लगाया था हमने उस निशान तक हम बाहर रखेंगे इस कॉइल को, बाकी का निशान तक हम अंदर डाल देंगे इस कॉइल को इस तरह से। इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस कॉइल को यहाँ पर, तो जो निशान लगाया था हमने उतना हमें बाहर रखना है, बाकी की कॉइल हमारी अंदर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक कॉइल अंदर कर दी है, जो निशान लगाया था हमने उतना कॉइल हमारा मैग्नेट के अंदर जा चुकी है। और ये यहाँ पे मैं गम से फिक्स कर दूँगा, यहाँ भी मैं ग्लू से चिपका दूँगा। एक बार फिक्स करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए मैं इस एरल लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें ले लिया है। मैं इसको मिक्स करके इसको चिपका दूँगा, मैं इसको मिक्स करके चिपकाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉइल को देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से चिपका दिया है, यहाँ पे एरल लाइट सारा लगा दिया है आप देख सकते हैं। मैं अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगा, एक बार ये ड्राई होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरह से ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो चारों तरफ है यहाँ पे गम लगा के और इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिक्स करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं फेविबोंड यहाँ पर लगा दे रहा हूँ चारों तरफ, जिससे मैं फेविबोंड से इसको फिक्स करने वाला हूँ। ये देखिए फेविबोंड मैं चारों तरफ लगा देता हूँ इसके इस तरह से, और फिर मैं इसको चिपका दूँगा इस फेविबोंड से। आप देख सकते हैं हमें फेविबोंड थोड़ा सा अच्छी तरह से लगाना है ताकि हमारा जो स्पाइडर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो सके। ये मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने फेविबोंड को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं ये स्पाइडर जो है ये स्पाइडर इसमें लगाता हूँ। तो स्पाइडर लगाते समय एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसके जो दोनों वायर है हमें इस टर्मिनल की तरफ रखने हैं। ये दोनों जो वायर हैं हमारे कॉइल के, ये हमें टर्मिनल की तरफ रखने हैं। तो इसको हम हल्का सा इस तरह से घुमा देंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो स्पाइडर है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और हमारा जो वायर भी है वो भी टर्मिनल के सामने आ जाएंगे। इस तरह से हमें घुमा देना है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे घुमा दिया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगा 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये ड्राई होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, और आप देख सकते हैं मैंने कॉइल के बीच में कुछ ये हमारी जो मोटर बाइंडिंग की फिल्म होती है वो काट के फंसा दी है, जिससे क्या होगा जब हम अपना ये कोन लगाएंगे इसके अंदर तो दब के ये नीचे की तरफ ना चला जाए, और जब हम इस पर गम लगाएंगे तो नीचे सेट ना हो जाए। इसलिए हमने क्या किया है, कॉइल को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फिल्म के टुकड़े लगा दिए हैं, और इस कोन को लगाता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इस कोन को लगा के फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो कुछ नहीं करना, हमें इस कोन को यहाँ पे रखना है और ऊपर से इसके चारों तरफ गम लगा देना है बस। तो एक बार मैं इस कोन को लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसका कोन जो है वो फिक्स कर दिया है, और यहाँ से मैंने गम लगा के उसको चिपका भी दिया था, और मैंने ड्राई होने के लिए लगभग लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसको बाहर रख दिया था ड्राई होने के लिए। अभी ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और हमारा ये बूफर जो है कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये केवल मेरे को ये चिपकाना है, इसका जो बूफर है ये ऊपर का फ्रंट पार्ट ये चिपकाना है, और हमारा ये कनेक्शन करने हैं 2 वायर के यहाँ पे, और हमारा बूफर रेडी है यूज़ के लिए। तो मैं अब इसकी जो मैंने ये फिल्म लगाई थी प्रोटेक्शन के लिए निकाल देता हूँ। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो फिक्स हो चुकी है पूरी तरह से, तो मैं इनको निकाल देता हूँ अब। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंप्लायंस आ रही है इसके अंदर, ये देखिए। और बाकी अभी भी इसको फिक्स कर दूँगा तो और अच्छे से हमारा ये वर्क करेगा, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कंप्लायंस है। बाकी इसको मैं फ़िक्स कर दूंगा तो और अच्छे से काम करेगा ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसके वायर कनेक्शन कर देता हूँ ये वाले, और इसको चिपका देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये। ये मैंने इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसके दोनों कनेक्शन मैंने ये वाले जो कनेक्शन थे यहाँ से कर दिए हैं, और इस पर गम भी लगा दिया है, और ये जो हमारा जो बाहर का आउटर रिंग रह रही थी ये भी मैंने चिपका दिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बूफर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सब बूफर था 6 इंच का जो फटा हुआ था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर जो रहती है इसकी केवल डस्ट कैप रहती है लगाने के लिए, तो वो डस्ट कैप भी मैं लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है इस पर। डस्ट कैप लगाने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर डस्ट कैप लगा देता हूँ। डस्ट कैप लगाने के लिए डस्ट कैप पे मैं जो एरल्डाइट था और सॉरी फेविबोंड था हमारा, उस फेविबोंड को चारों तरफ से लगा देना इस तरह से हल्का हल्का सा, और इसको इजीली फिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने चारों तरफ डस्ट कैप पे बॉन्ड लगा दिया है, और हमें इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है इस तरह से। ये देख सकते हैं हमारा जो डस्ट कैप है वो फिक्स हो चुका है, हमारा बूफर बनके रेडी हो चुका है। मैं इसको साइडों से जो है हल्का सा प्रेस कर देता हूँ, जिससे भी जो भी किनारा अगर उठा हुआ हो कोई वो इजीली स्टिक हो जाए। तो ये डस्ट कैप भी मैंने लगा दिया है, ये देखिए। अब हमारा
सब बूफर जो था वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसकी साउंड टेस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। मैं इसको थोड़ी देर जो मैंने अभी जो अंदर जिसका गम लगाया था हल्का सा, और ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए। हालांकि सूख चुका है, बट मैं फिर भी एक दो घंटे के लिए इसको छोड़ देता हूँ। बाकी इसकी जो साउंड टेस्टिंग वीडियो रहेगी वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में रहेगी, क्योंकि इस पार्ट में हमारा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट आपका अगर मिल जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।